एवरीवन, मैं हूँ शालिनी। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक ईटिंग विद शालिनी। फ्रेंड्स, स्टफ्ड आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिए 4 आलू। इसके हम छिलके उतार लेंगे। इसी तरीके से बाकी आलू के हम छिलके उतार लेंगे सभी के, और इसे ऊपर की साइड से कट करेंगे, और इसी तरीके से हम नीचे की साइड से भी इसे कट करेंगे। अब इसको हम आलू को अंदर से खाली कर लेंगे। आपको चक्कू यहाँ इस तरीके से चलाना है, राउंड में आपको चक्कू चलाना है यहाँ पर, और अंदर की साइड से पूरा आलू खाली कर लेना है। ये फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको पूरा आलू अंदर से खाली कर लेना है। इसी तरीके से मैं बाकी आलूओं को भी खाली कर लूँगी, और आपको यहाँ इसे पानी में रखना है, वरना ये काले पड़ जाएंगे आलू। ये मैंने सभी आलू तैयार कर लिए हैं, और जो इसके पीस बचे थे आलू के, वो भी हमने पानी में रख दिए हैं। इसी के हम छोटे छोटे पीस करके स्टफिंग तैयार करेंगे। ये आलू को हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ मैंने सभी आलू डाल करके, पानी डाल करके, और 1 चम्मच नमक। अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इधर मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम 2 स्मॉल साइज प्याज डालेंगे। प्याज को रोस्ट करेंगे अच्छी तरीके से। आलू भी हमारे बॉईल हो चुके हैं, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। और ये हमारी प्याज भी रोस्ट हो चुकी है। अब इसमें हम कॉर्न्स के दाने और मटर डालेंगे। यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। ये मैंने 1/2 चम्मच इसमें चाट मसाला डाला है, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे, और इसमें जो आलू के पीसेस हैं वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये मैंने 2 स्मॉल साइज टमाटर डाले हैं, और ये ग्रीन शिमला मिर्च और मूंगफली के दाने। ये स्टफिंग रेडी हो गई है। ये कितनी कलरफुल बनी है आप देख सकते हैं फ्रेंड। ये हमने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, और इसमें हम सभी आलू को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। फ्रेंड्स, ये एक साइड से आलू फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसे फ्राई करेंगे। आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे में स्टफिंग करते हैं। स्टफिंग हम कुछ चाट स्टाइल में करेंगे। ये जो हमने रेडी किया था आलू का छोटे छोटे पीसेस, वो हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आलू भुजिया। आप इसे अपने स्टाइल में भी स्टफिंग कर सकते हैं, जो आपको नमकीन पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे दही, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इसमें, और फिर दोबारा से हम आलू के छोटे छोटे पीसेस इसमें डालेंगे, और ऊपर से आलू भुजिया, थोड़ी सी टमाटो सॉस, और अब इसमें डालेंगे दही। इसी तरीके से हम बाकी के जो 3 आलू हैं उनको भी रेडी कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटो सॉस। और इसमें हम लगाएंगे बिंगो ट्रायंगल। आप इसमें लेस अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी गार्निश अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये आलू हमारे रेडी हो गए हैं, और ये दिखने में बहुत टेस्टी हैं, खाने में भी ये उतने ही टेस्टी हैं।